में स्त्री और पुरुष के संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। दोनों पति पत्नी के स्वरूप में परिवार को समाज के लिए मर्यादा और सम्मान के रिश्ते में पिरोया जाता है। इस संबंध को इतना महत्व दिया जाता है कि यकीनन तभी स्त्री द्वारा उसके पति की लंबी उम्र की कामना करना भी इस धर्म का नियम है। स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए कई तरह से पूजा अर्चना करती है। इसमें कई बड़े अवसरों पर उसके लिए व्रत का प्रावधान भी है। इन्हीं में से एक है करवा चौथ और व्रत सावित्री। वट सावित्री व्रत में इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत में महिलाएं 108 बार बरगद की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। कहते हैं कि गुरुवार को वट सावित्री पूजन करना बेहद फलदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को रम्यमराज से वापस ले लिया था। इस दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान कर लेती हैं और सुहाग से जुड़ा हर श्रृंगार करती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही सुहागन को जल ग्रहण करना चाहिए। वट का मतलब होता है कि बरगद का पेड़। बरगद एक विशाल पेड़ होता है। इसमें कई जटाएं निकली होती हैं। इस व्रत में वट का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पाया था। सावित्री को देवी का रूप माना जाता है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास बताया जाता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा वृक्ष की जड़ में है, विष्णु उसके तने में और शिव ऊपरी भाग में रहते हैं। यही वजह है कि यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये व्रत रखा जाता है, जो इस बार 3 जून 2019 को भी पड़ा था। और वहीं ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा व्रत होता है। आज 16 जून रविवार को मनाया गया। सूरत के ज्यादातर क्षेत्रों में आज वट सावित्री व्रत मनाया गया, जहां पर सभी हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा व्रत रख कर वट की पूजा अर्चना की गई। जी आज शू कार्यक्रम वट सावित्री व्रत पूजन કેટલી મહિલાઓ એમાં અહીંયા તો અસંખ્ય મહિલાઓ પોતાના ઘરેથી તૈયાર થઈને આવે છે અને પોતાના પતિનો આયુષ્ય વૃદ્ધિ માટે વટ સાવિત્રીનું વ્રત પૂજન કરે છે। આ પૂજન કરવાથી એને એ લોકોને શું ફાયદો થાય? પોતાના પતિની આયુષ્ય વૃદ્ધિ થાય છે અને જે પોતાના સંતાનો બી સુખ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। આ વ્રત વિશે તમે લોકોને શું કહેવા માંગો? આ વ્રત માટે હું લોકોને કેમ કહું કે સત્યવાન સાવિત્રીનું જે વ્રત પહેલાં જે વ્રત હતું એ જ પ્રમાણે આ વટ સાવિત્રીનું વ્રત છે અને આજના દિવસે ભગવાન એટલે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ એક જ દિવસે ત્રણે ત્રણ એક જ વડના ઝાડમાં રહેલા છે એટલે સાવિત્રીની જેમ સત્યવાનને પાછા સ્વર્ગમાંથી લાવેલા એ જ રીતે આ વ્રતનું આત્માય છે।